जय हिंद दोस्तों, इस समय है हम एमसी ग्राउंड के बाहर और अब बैच छूटने वाला है टेक्निकल और ट्रेडमैन का। देखते हैं कि उस बैच में कितनी टाइमिंग दी गई है बच्चों को। कुछ बच्चे हमारे बाहर आ रहे हैं, जो फेलियर ग्रुप है उसको बाहर निकाला जा रहा है, तो हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इनको क्या टाइमिंग दी जा रही है। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज आपकी जो डाउट है ना वो हम इस वीडियो में आपका क्लियर करने वाले हैं। हमारे पास है जो ट्रेडमैन का आया हुआ है, हम जानकारी लेंगे कि ट्रेडमैन में कितने बच्चों को दौड़ाया गया और कितने बच्चे इसके साथ थे। बेटा कितने बच्चों का बैच बन रहा था आपका? सर 84 बच्चों का बैच था। 84 बच्चों का था। 84 में कितने बच्चों को पकड़ा गया? 84 में ऐसी मान लो ऐसी 45 बच्चों को पकड़ा गया। 45 बच्चों को, 40 से 45 बच्चों को ट्रेडमैन में। वेरी गुड। कितनी टाइमिंग दे रहे थे लगभग? तो सर यही थोड़ा इधर आ जाना, 5:30 के करीब होगी। 5:30 के करीब टाइमिंग पूरी दी जा रही थी। पूरी दी जा रही। क्या वहाँ पे टाइमर वगैरह कुछ लगा हुआ टाइमर था? टाइमर वगैरह कुछ नहीं था सर। अच्छा, ग्रुप वन में लगभग कितने लड़कों को लिया होगा? ग्रुप वन में ऐसी मान लो 12-13 लड़कों को लिया होगा। अच्छा, 12-13 को। और इसके बाद सब सेकेंड ग्रुप घुसते जा रहे थे, मतलब जिनकी भी 5:45 तक अगर टाइमिंग आ रही है तो सब आ जाते, उनका पक्का हो जाएगा। अच्छा, हाइट क्या शुरू में चेक कर रहे थे ट्रेडमैन पे? नहीं सर, कोई हाइट कुछ भी नहीं चेक कर रहे थे बिल्कुल भी। केवल बस आप आइए हाई स्कूल और इधर किनारे आ जाइए, बिल्कुल और आ जाइए। आने के बाद एडमिट कार्ड दीजिए अपना। और बस उसके एडमिट कार्ड और मार्कशीट लग रही थी। मार्कशीट आप क्या पहले कभी आप दौड़े हैं? नहीं सर, ये मेरा पहली बार था। पहली बार था। रनिंग करते थे गांव में? यस सर, रनिंग की थी मैंने। कितने दिन आपने रनिंग की थी? मैंने सर यही 3 महीने रनिंग। अच्छा, रोड में दौड़ते थे आप? रोड पे दौड़ते थे। रोड पे दौड़ता था। अच्छा, रोड पे टाइमिंग कभी 1600 मीटर लगाई आपने? क्या आती थी? 1600 में मेरी 5:26 आती थी। अच्छा, 5:26-5:20 तक आई है। 5:20 तक। फिर यहाँ पे भी टाइम हमने सुना है कि 5:50 तक दिया जा रहा है, 5:40 तक दिया जा रहा है। गलत बात है सर, गलत बात है, नहीं दिया गया। टेक्निकल में टाइम तो 5:15 ही, जो ट्रेन में 5:40 टाइम बहुत गलत आप किस बैच में दौड़े थे? टेक्निकल मतलब उनका मतलब क्या था, 10 बंदे लाइन 10 घुस गए टाइम के रोज, चाहे 5 ही चाहे 4 ही चाहे 3 ही। क्या कहना चाहते हैं आप टेक्निकल में? क्या सिस्टम टेक्निकल में? पहली बार तो कम टाइम मिला, 5 बंदे लपेट में मिला। और दूसरी बात, जितने बंदे लेने हैं तो उसी बंदे लिए। अच्छा, बाकी इसके बाद क्लोज कर दे रहे थे। आपके बैच में टेक्निकल में कितना बच्चा दौड़ा था? 94 दौड़ा था। 94 में कितने बच्चों को लिया गया? अच्छा, तो देखिए ये टेक्निकल के बच्चे हैं हमारे पास और ये बच्चा ट्रेडमैन का था, जिसमें बता रहे हैं ये बच्चे कि दौड़ाए तो गए 84 बच्चे, 90 बच्चे, लेकिन जो बच्चों को लिया जा रहा है वो बहुत ही कम लिया गया है। ट्रेडमैन में तो बहुत अच्छे बच्चे पकड़े हैं इन्होंने, और टाइमिंग का तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि जब फर्स्ट ग्रुप आने लगता है जीडी में कुछ मतलब बैच में 40 लड़के, 35 लड़के, 30 लड़के, मतलब 20-25 है जीडी में, कम लिया ही नहीं 30 से कम। पहले ग्रुप में जीडी के पहले ग्रुप में सिर्फ 20-25 टाइम, दूसरे में 20-25, तीसरे में 30, उसके बाद फिर 20-25, फिर 30, मतलब 25 से ऊपर मान के चलो, 25 के नीचे ही दे रहे हैं। अच्छा, और जो टेक्निकल बेस्ट था उसमें 15 से ज्यादा नहीं नहीं मिल रहा। बच्चा हमारा ग्राउंड के बारे में भी कुछ कहना चाहता है, क्या कहना चाहते हो ग्राउंड के बारे में? ग्राउंड नहीं है, वो कुछ कंकड़ेली है, कंकड़ेली है जो हमने ग्राउंड पहले ही डाल दिया था। और बच्चों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग बिना टेप के मत दौड़िएगा, क्योंकि वहां पे बजरी पड़ी हुई है, आपके पैर छिल जाएंगे और आपको नुकसान हो सकता है। कुछ बच्चे जो नंगे पैर दौड़ते हैं वो टेप लगा के दौड़े, वरना आप जूते पहन के अगर दौड़ोगे तभी आप रनिंग क्वालिफाई कर पाओगे। आपको मिट्टी का ग्राउंड नहीं मिलेगा। आप अगर ग्राउंड में मिट्टी के ग्राउंड पर रनिंग करते हैं तो उस तरह का ग्राउंड आपका बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज का विशेष ख्याल रखें। और जो बच्चों की हमारी राय है कि टेक्निकल में टाइम पूरा नहीं दिया गया है, जितने बच्चे उनको लेने हैं उतने ही बच्चे लिए गए हैं, जिससे काफी युवा यहाँ पे निराश भी दिखाई दे रहे हैं। जीडी में उन्होंने बहुत अच्छा टाइम दिया है और 25-25 जीडी में भी टाइम नहीं मिला। जीडी में 2 बैच में बढ़िया टाइम मिलो, बाकी बात फिर ऐसे ही मिला है। अच्छा, इनका कहना है कि 2 बैच बढ़िया मिला है। अच्छा, 2 बैचों में मिला है, 2 बैच बढ़िया मिला, बाकी सब ऐसे ही मिला है। 2 बैच के बाद बस सन्नाटा ऐसे रहा है, सन्नाटा, सब 20 से नीचे ही आएंगे सब। तो इनका कहना है कि जीडी के 2 बैचों में तो अच्छा टाइम दिया गया है और 2 बैचों के बाद टाइम भी नहीं दिया गया है बिल्कुल। ये पूरे युवा हैं जो कि काफी निराश यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
तो ग्राउंड का विशेष ख्याल रखिएगा, या तो आप जूते पहन के दौड़िएगा या तो आप टेप लगा के, वरना अगर नंगे पैर आपको बिल्कुल भी नहीं दौड़ना, पैर आपका खराब हो सकता है। क्योंकि ये युवा वहीं से बाहर आए हुए हैं और थोड़ी थोड़ी दूर, कोई 200 मीटर से रह गया है, कोई 300 मीटर से रह गया है, तो इस वजह से आप लोग बिल्कुल ध्यान दें। जैसे यही बच्चा है, कितने मीटर से रह गए आप? बिल्कुल 10 मीटर से, 10 मीटर से, 10 सेकंड से ये बच्चा 45 दिया था टाइम और 5:30 या 25 ही दिया उन्होंने। अच्छा, ये तो नाइंसाफी है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नाइंसाफी है। अगर इस तरह से किया जा रहा है तो बराबर सबको बराबर समझे, क्योंकि ये युवा भी मेहनत करते हैं और जिनको आप पास कर रहे हो वो लोग भी मेहनत करते हैं, तो इस वजह से टाइम सभी को पूरा दें।